हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ इंग्लिश मीडियम आरबीएससी। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8.5 मैक्सिमम एंड मिनिमा, जिसके हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। अपना लास्ट एग्जांपल रहा है 35th। तो देखो, 35th जो है वो है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई सच दैट, जिसका फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वस टू में 60। x प्लस वाई इक्वस टू है 60 एंड एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम। क्या है? एक्स वाई क्यू इज मैक्सिमम, यानी इस पे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और जो एक्स वाई है ना, वो दोनों पॉजिटिव है ना। इसमें दिया गया फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर के लिए फाइंड करना। तो देखो, ये कोई एक p इक्वस टू है एक्स वाई क्यू, वाई कॉस्ट नहीं लेंगे क्योंकि वाई तो यहां पहले से ही गिवन है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 है। अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूं यहां से, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 60 माइनस वाई। अब मैं एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं पी में, 60 माइनस वाई इंटू में वाई क्यू। वाई क्यू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 60y क्यू माइनस वाई की पावर 4। ये वाई क्यू ही है या स्क्वायर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें क्या करना है, ये आ गया p इक्वल्स टू, ठीक है। तो वही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएशन करना होगा सबसे पहले। तो x किसके, y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, dp अपॉन में dy। 3 आगे आ जाएगा, 180 y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4y की पावर 3। अब इसे इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यू इक्वल्स टू 0। तो देखो, इसके फैक्टर वैक्टर फॉर्मूले तो कुछ हो गए नहीं, जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले सकते हैं। देखो, 4y स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आ रहा है, 4y कॉमन स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 4 जा 16, 2 4 5 जा y तो गया, यहाँ बचा y इक्वल्स टू 0। देखो, या तो ये जीरो है या ये जीरो है। तो देखो, इसको जीरो पुट करेंगे ना, तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी। तो जो वाई है वो नॉट, मतलब वाई इक्वल्स टू जीरो है, बट वाई को यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव है ना। तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा खत्म। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाई उधर जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 485। वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 45। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे कहां, डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन करना होगा उसके लिए, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d स्क्वायर p अपॉन में dy स्क्वायर, ठीक है। 360 y माइनस 12 y स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू, वाई इक्वल्स टू में 45। करो, थ्री सिक्सटी इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड क्या ऐड कर दिया है हमने, मतलब जो y की वैल्यू थी वो हमने किस में, डबल डिफरेंशिएशन जो होता है जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने y की वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, जो वैल्यू इस पे मैक्सिमम आनी चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मैक्सिमम आने के लिए वैल्यू नेगेटिव आनी जरूरी है, तो देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करो, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
36 into 45. यहां आ चुका है 16200. 45 इंटू 45 ये आ चुका है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से. ये तो 45 का स्क्वायर आ गया है, ठीक है. अब इसका मल्टीप्लाई 12 से भी तो हो रहा है, 12 से करो. ये आ चुका है 24300. सही है. ये बड़ा है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव ही नंबर आ रहा है. देख लेते हैं क्या आ रहा है. देखो ये है 4 और 4 8, तो आ रहा है माइनस के 8100, जो कि क्या है, लेस देन है 0. तो y इक्वल्स टू 45 पर, किस पर, y इक्वल्स टू 45 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी है, मैक्सिमम है. कैसी है वैल्यू, मैक्सिमम है. तो देखो y की वैल्यू पुट कर दो कहां, यहां x प्लस y 45 इक्वल्स टू कितना है, 60 है. x प्लस 45 इक्वल्स टू में 60, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 60 माइनस में 45 इक्वल्स टू में 15. तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव दोनों के दोनों, y इक्वल्स टू 45 एंड x इक्वल्स टू 15. तो y इक्वल्स टू 45 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी आई, मैक्सिमम आई, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम. यही हमें फाइंड करना था. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 35th का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट. सारे के सारे क्वेश्चन सेम है. अब देखो इसका सेकंड है, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू में है 16, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 16 और p इक्वल्स टू में क्या है, x क्यू प्लस में y क्यू. सेम ऐसे ही है, यहां से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे तो x ही कर लो चाहे y की. देखो हम पिछली बार y की थी, इस बार x की से कर लेते हैं. तो x इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस y, x की वैल्यू यहां पुट कर दो p में, 16 माइनस y का होल क्यूब प्लस में y क्यूब. डिफरेंशिएशन कर दो, चाहो तो y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो. पिछला हमने किससे किया था, x से किया था ना, तो इस बार चलो y से कर लो, किसी से भी कर सकते हो ना, क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ना. तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा क्या, 16 माइनस x. तो ये तो है x क्यू और y की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस x का होल क्यू. अब डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dp अपॉन में dx, इसका तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 3, एक बार तो ये ऐसे के ऐसे ही स्क्वायर. अब 16 तो हो जाएगा 0 और x का क्या होगा, माइनस 1.
क्या होगा, माइनस वन। तो देखो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा सबको। तो देखो इसका माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सिक्सटीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं थ्री कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, थ्री कॉमन, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, सिक्सटीन का स्क्वायर माइनस, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, सिक्सटीन माइनस एक्स, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो 16 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 256। फिर आएगा माइनस के 32x और प्लस के x स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो चुका है कैंसल। क्या बचेगा इधर, थ्री माइनस के 256 और प्लस के 32x इक्वल्स टू करते हैं जीरो पुट। क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो पुट, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना यहां से। तो ये तो इधर हो जाएगा जीरो, इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो 32x इक्वल्स टू हो जाएगा 256। तो x इक्वल्स टू 256 अपॉन में 32। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 8। तो x इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास 8। अब इस x को कहाँ पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम डबल डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, यही तो है अपने पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद यही तो आया था, तो ये है इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 6x माइनस थ्री तो है कांस्टेंट, अब इसका होगा ना तो ये टू आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, सिक्स, सिक्सटीन माइनस एक्स, ठीक है, सेम सिक्सटीन जीरो, एक्स का होगा माइनस वन, तो ये माइनस के साथ बाद में या माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास आया है 6x प्लस में 6 और 16 माइनस एक्स, क्या आया है 16 माइनस एक्स, तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां x की वैल्यू पुट करेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आएगा, तो पुट कर दो वैल्यू और देख लो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस, माइनस में आ रहा है। देखो 6 × 8 प्लस 6, 16 माइनस एक्स की वैल्यू है 8, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये वैल्यू पॉजिटिव ही तो होगी, नेगेटिव थोड़ी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 48, देखो प्लस के कितने आ रहे हैं, 96, देखो 48 से 48 क्या हो चुका है, कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया ना, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी होगी, वाई पॉजिटिव है तो मिनिमम होगी, मिनिमम कैसी होगी, मिनिमम किस पर, एक्स इक्वल्स टू 8 पर, फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। अब x की वैल्यू पुट कर दो यहां,
तो y इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 8, x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 8, इन दोनों पर क्या होगी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, क्या होगी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम। तो ये हो चुका है अपने पास 35 का बी, और इसमें 35 में बी में दो ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में दो ही क्वेश्चन थे, जो ये सेकंड वाला था इसमें भी हमें क्या फाइंड करना था, मिनिमम ही फाइंड करना था ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज मिनिमम, इससे पहला वाला पे मैक्सिमम था और इस पे क्या था मिनिमम, और मिनिमम ही आया है, 96 ग्रेटर देन है जीरो से, तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू कैसी आएगी मिनिमम आएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर अपना जो एग्जांपल था वो हो चुका है। तो x इक्वल्स टू पे, पे पे पी क्या होगी मिनिमम, और यही हमें प्रूफ करना था। अब ये तो हो चुका है कंप्लीट, अब एक जो अपना एग्जांपल था ना कौन सा फर्स्ट वाला था 30, उसके एक डी में प्रॉब्लम थी, तो मैं वो आप लोगों को डी वाला भी करा देता हूँ, है ना, कुछ लोगों से वो हुआ नहीं है, तो चलो फर्स्ट 30 का डी जो है उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। तो डी जो है उसमें भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इफ एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 30 का डी जो कि है एक्स क्यू प्लस वन, बस हमें यह बताना है कि जो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है वैल्यू, ठीक है, और क्या है इफ एग्जिस्ट, है ना, अगर है तो और नहीं है तो जो भी मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर लाइन से भी हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सा, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, ठीक है, तो देखो ये y इक्वल्स टू है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम पुट करते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू में 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 यानी कि 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी 0, ठीक है। अब देखो यहां अपने पास है 3x स्क्वायर, देखो नंबर लाइन से समझ आता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां है कोई x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इधर तो है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो 3x स्क्वायर x की, 1 माइनस 1 प्लस जैसी भी जो भी चाहो, हमेशा जो नंबर है ना वो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि जो ये पावर है ना ये कितनी है इवन है, अगर ये होती ऑड, क्या होती ऑड, जैसे अगर ये होता 3xq, ठीक है, तो जब नंबर हम पॉजिटिव रखते तो आता पॉजिटिव, और जब नंबर हम नेगेटिव रखते तो नंबर आता कैसा नेगेटिव, ठीक है, अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव, लेकिन अगर यहाँ पावर 2, 4, 6 या 8 है तो नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव, वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, कोई चेंज हो रहा है क्या, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो साइन में चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी साइन में चेंज नहीं है, पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही साइन है, और जब भी हमेशा ऐसा होता है, देखो दो ही कंडीशन होती है इसमें, तीन कंडीशन है एक्चुअली में, कि देखो अगर नेगेटिव से कहां जा रहा है पॉजिटिव में तो वैल्यू कैसी आती है मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो वैल्यू आती है मैक्सिमम,
और हम आप लोगों को मैंने बताया था कि dy dx जीरो हो जाता है, तो जीरो का मतलब यही है कि ये पॉजिटिव से किस में जा रही है, केवल पॉजिटिव में ही जा रही है, तो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम। तो लिख देना नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, डी वाई डी एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, साइन नॉट चेंज, या फिर ऐसे लिख सकते हो साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो चेंज, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ वैल्यू है ना, नीचे हम लिख देंगे कि क्या होगा, हैंस गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, हैंस गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि एक तो ये जीरो आ गया, जीरो पुट करने पर वैसे भी जीरो हो जाएगा, और अगर यहां पावर क्या है, टू है ना, तो अगर हम नेगेटिव की तरफ भी अगर माइनस वैल्यू या माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी पुट कर दो। इसलिए ये क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो इससे पहले वो थे ना जिसमें स्क्वायर और वो लगे हुए थे, उसमें भी तो सेम यही है, जैसे कोई भी स्क्वायर लगा हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर है तो वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे प्लस 3 था तो ये तो इसको तो हमने जीरो लिख लिया था, प्लस 3 था तो इसी पे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। पॉजिटिव है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। तो कोई भी जिसमें हमें केवल ये बताना है मैक्सिमम या मिनिमम है, तो हम उसे नंबर सिस्टम, इस नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये हो चुका है अपने पास 30 का डी, तो अपनी 8.5 हो चुकी है कंप्लीट। अब जो अपनी 8.6 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, 8.6 जो है वो इसी से रिलेटिव है, उसमें क्या करना है, हमने एप्लीकेशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमम करना है। तो थोड़ा सा चेंज है उसमें, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेल यूज द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिन इन द प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, मैकेनिक्स एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इन चीज यहां यहां क्या होता है, यूज होता है किसका, मिनिमम और मैक्सिमा का, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि कहां कहां यूज होता है, प्लेन ज्योमेट्री में होता है, सॉलिड ज्योमेट्री में होता है, मैकेनिक्स में होता है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो बताना कमेंट करके, नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक। थैंक यू।